लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। केतु, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? बाहर के अंधेरे से भीतर के अंधेरे की तुलना कर रही थी। क्या मतलब? बाहर के अंधेरे पर कभी कभी बिजली प्रकाश की एक लकीर तो डाल देती है, लेकिन मेरे भीतर जो अंधेरा है ना, उस पर तो बिजली भी नहीं कौनती। क्या फिलॉसफी की बातें करने लगी हाँ? नीचे चल, जोर की आंधी आने वाली, चलो। आ बैठो, अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार ये अचानक तुझे क्या हो गया है? शाम तक तो अच्छी खासी थी। शाम को आई थी तो तेरी पार्टी की तैयारियां चल रही थी, इसलिए मैं अपने आंसू पी गई। यार गीता, ये पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि चक्कर क्या है। सागर क्यों नहीं आए? और सागरिका, वो तो तुम्हारी जान है, उसे कैसे छोड़ाई? उसे इसलिए छोड़ाई क्योंकि उसके एग्जाम सर पर थे, और सागर इसलिए नहीं आए क्योंकि सिंदूर की डिबिया मैं कचरे के डब्बे में फेंक कर आई हूं। उसने मुझे धोखा दिया है अंजू। धोखा? सागर ने? इम्पॉसिबल। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था, मतलब शादी के 2 साल बाद तक, लेकिन जब 24 घंटे साथ रहना पड़ता है ना अंजू, तो धीरे धीरे असलियत सामने आ जाती है। वो देर से घर आने लगे थे, मैं उनसे पूछती कि देर क्यों हो गई, तो जवाब मिलता कि मैथ्स के प्रोफेसर के साथ देर हो गई। मगर एक दिन मेरी जिंदगी के अमृत की कटोरी में चीती मक्खी की तरह कावेरी आ गई, तो मैं उसे निगल नहीं पाई। कावेरी? मगर मेरी जान, तू तो, मैं जानती हूं कि मैं शक की हूं, मगर ये शक नहीं है अंजू। मेरे शक ने कावेरी बनकर कॉलेज के बोर्ड के सामने ये बयान नहीं दिया था कि सागर ने उसे लाइब्रेरी में रेप किया था। रेप? हाँ, और सागर को मेरी शक की आदत ने कॉलेज से सस्पेंड भी नहीं किया है। मैंने बहुत चाहा कि मैं सब बातें नहीं मानूं, लेकिन तुम ही बताओ अंजू, कैसे नहीं मानूं? फिर भी सागर जैसे सिंपल आदमी के कैरेक्टर के साथ ये बातें कुछ मैच नहीं कर रही हैं। देखो गीता, मैं तुम्हारी बहन हूं, इसलिए मैं तो वही चाहूंगी जिसमें तुम्हारी भलाई हो, लेकिन मुझे एक मौका दो कि इन सब बातों की जांच मैं खुद कर सकूं। क्या करना चाहती हो? सुनो, आज हमारी पार्टी में लोगों ने हमें पहचानने में गलती की ना, तो तुम यहाँ अंजलि मेहरा बनकर रहो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, और मैं जाऊंगी तुम्हारे घर गीता भारद्वाज बनकर। ये लो भैया। हे भगवान, कहीं गड़बड़ हो जाए तो संभाल लेना। भाभी जी आप? हो गई ना छुट्टी, ये घसीटा है या राम प्रसाद? तुम्हारा नाम? हाय, तो आप हमारा नाम भी भूल गई? लगता है हमसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई। हमने भगवान शंकर के मंदिर में मन्नत मांगी थी कि भाभी जी को जल्दी से भैया के पास बुलवा दे तो हम 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब हम भी ठहरे बेवकूफ, पूछो क्यों? हाँ, मुझे तुम्हारा नाम याद आ गया, पूछो क्यों। क्यों? वो यूं कि पूछो क्यों कहने वाला राम प्रसाद के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। देखा, यही तो चमत्कार है शंकर भगवान का। आइए भाभी, अंदर आइए, और ये सूटकेस हमें दे दीजिए। आइए। राम प्रसाद जी, तुम्हारे भैया तो कॉलेज गए होंगे ना? कॉलेज? भाभी जी आप ये भी भूल गई क्या? यही कि भैया कॉलेज नहीं जाते आजकल, उन पर झूठा इल्जाम लगाकर उनको। और सागरिका तो स्कूल गई होगी। हाँ, मगर सागरिका बिटिया की तबीयत ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, स्कूल से फोन आया था कि आकर ले जाओ, तो सीता मैया गई है लाने। लीजिए, वो आ गई। अरे दीदी आ।
बच्चा। मम्मी आप कब आए? बस अभी भी आए हैं बेटा। क्या हो गया था मेरे रानी बिटिया को? बीमार हो गया था? हाँ मम्मी, मगर आपको देख कर बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी जान। मम्मी आप फिर से हमें छोड़ के नहीं जाएंगी ना कभी? नहीं बेटा, कभी नहीं जाऊंगी। चलो अब मैं तुम्हें दूध पिला के सुला देती हूँ, ठीक है? मगर आपको भी मेरे साथ सोना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आज से हमेशा हम अपनी बेटी के साथ सोएंगे तुम्हारे कमरे में, ठीक? हाँ मम्मी। चलो दीदी आप सफर से आई है, कुछ खा लीजिए। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, पहले मैं सागरिका को दूध दूध पिलाकर उसे सुलाऊंगी, है ना? तुम सागरिका के कमरे में दूध ले आना। हाँ ठीक है दीदी। चलो 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 चलो। लेकिन सागरिका का कमरा कौन सा है? सागरिका चलो हम दोनों एक खेल खेलते हैं। हाँ? मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और तुम मुझे अपने कमरे तक ले जाना। हाँ मम्मी। हाँ? आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हाँ? चलो चलो। भाभी जी के आने से कितनी खुश हो गई हमारी सागरिका बिटिया, पूछो क्यों? इसलिए कि घर में वापस रौनक आ गई है। क्या नाम है की? अरे अब तो हमारा नाम याद हो गया होगा। राम प्रसाद। सागरिका कहाँ है? सो गई जीजा जी। सो गई? इतनी जल्दी? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? अभी तो ठीक है, लेकिन स्कूल में तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ था? जरा सा बुखार, लेकिन दीदी को देख के एकदम गायब हो गया। दीदी यानी गीता? वो कब आई? दोपहर में। कहाँ है? पिटिया के कमरे में। हेलो हेलो गीता, मैं बोल रही हूँ। हाय अंजलि। अच्छा सुनो, जीजा जी अभी अभी कमरे में आए और किस करके चले गए। किस करके चले गए? किसे? सागरिका को यार। सुनो अंजलि, सागरिका अपनी मम्मी को याद नहीं करती? ओह मैं तो भूल ही गई, इस वक्त तो तुम्हें उसकी मम्मी हो ना। सागर को शक तो नहीं हुआ? वो तो सुबह ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो सब कुछ अपनी प्लान के मुताबिक चल रहा है। आगे जैसे जैसे होता रहेगा मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगी। ओके गुड नाइट। गुड नाइट बाय। हेलो अंजलि। अरे पीडी साहब आप इतनी रात गए? हाँ ये मूर्ति मुझे आज ही मिली, मैंने सोचा तुम्हें देता चलूं, और वैसे भी ये मूर्ति तो लेकर जानी ही है। कहाँ? बैंकॉक माय डियर, तुम्हें याद नहीं है हमारे दोस्त मिस्टर लाल रहते हैं वहां पर, उन्होंने ये नटराज की मूर्ति मंगवाई थी। बैंकॉक में? अंजलि तुम्हें अचानक हो क्या गया है? तुम्हारे ही कहने पे मैंने बैंकॉक में मिस्टर लाल से शो परफॉर्म करवाया था। I'm sorry, मैं तो भूली गई थी, मैंने ही तो आपको कहा था बैंकॉक जाने के लिए। लेकिन ये मूर्ति लेकर इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? कल सवेरे भी तो आ सकती थी। एक्चुअली अंजलि ये मूर्ति काफी कीमती है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे यहाँ सेफ रहेगी। इसे संभाल के रखना प्लीज। मैं चलता हूँ। ओके ओके थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। ये अंजलि जाते जाते सारी बातें बता गई, ये बैंकॉक वाली बात कैसे भूल गई? अंजलि अरे बाप रे 9 बज गए। आज मम्मी आप कितनी देर तक सोई? तो आपने हमें उठाया क्यों नहीं? मैंने देखा कि आप गहरी नींद में सो रही हैं, इसलिए मैंने नहीं उठाया। सागरिका को ले जाकर तैयार कर दो। जी मैं ले जाती हूँ सागरिका। नहीं नहीं तुम बैठो, सीता ले जाएगी, जाओ। हाँ मम्मी आप बैठो। अच्छा चलो बेटा चलो। हाँ
तुम्हारे आने से मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया गीता। मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। जा रहे हो कहाँ? रुद्रपुर। वहाँ एक कॉलेज में मुझे लेक्चरर की नौकरी मिल गई है। ये सोच करके यहाँ सागरिका की देखभाल कौन करेगा, मैंने हाँ नहीं कहा था, मगर अब तुम्हारे आने से वो चिंता भी दूर हो गई है। मगर तुम्हारे केस का भी फैसला हुआ कहाँ है? नहीं हुआ तो हो जाएगा, और फिर कांच पर पड़ी लकीर किसने से मिट तो नहीं जाती। यहाँ रहकर अपमान की आग में सारी जिंदगी जलने से तो किसी छोटे से शहर में गुमनामी की जिंदगी बिताना कहीं अच्छा है। अच्छा चलता हूँ, प्रोफेसर अय्यर से कहकर नौकरी कंफर्म करवा दी। इतनी जल्दी भी क्या है, एक बार फैसला हो जाने तक रुक जाते तो अच्छा होता। तुम्हारी बात सुनकर मुझे ताज्जुब हो रहा है, तुम्हारे बयान नहीं तो मुझे सस्पेंड करवाया था, और आज तुम ही कह रही हो कि मैं फैसला होने तक रुक जाऊं। चलता हूं। नई नौकरी दिलवाने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें करते हो यार, लेकिन तुम्हारे शहर छोड़कर भाग जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शहर छोड़कर भाग नहीं रहा हूं यार, जा रहा हूं, क्योंकि हमारे समाज में एक वेश्या भी किसी पर बलात्कार का आरोप लगाए तो लोग उसी की बात मानेंगे, क्योंकि वो एक औरत है, सच कोई जानना नहीं चाहता। इसलिए कि इसमें दो खराबियां हैं, एक तो ये कि वो इंटरेस्टिंग नहीं होता, और दूसरा वो बहुत कड़वा होता है। चलता हूं यार। एक बात अवश्य याद रखना सागर, इस संसार में कावेरियों की कमी नहीं है, पर सागर बहुत कम है, और संसार को सागर की हमेशा जरूरत पड़ेगी। नमस्ते, आप लोग? भाभी हम सब प्रोफेसर भारद्वाज के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा अच्छा, कोई खास बात? हमने सुना है सर शहर छोड़कर रुद्रपुर जा रहे हैं। इसीलिए भाभी हम सब रिक्वेस्ट करने आए थे कि वो ऐसा ना करें, प्रोफेसर भारद्वाज हमारे कॉलेज के बेस्ट लेक्चरर हैं। इसीलिए हम सभी लड़के लड़कियों ने यह फैसला किया है भाभी, अगर सर कॉलेज छोड़कर गए तो हम कॉलेज में हड़ताल कर देंगे। मगर आप लोग तो सब जानते ही होंगे उनके बारे में जो स्कैंडल हुआ था। वो स्कैंडल उनके खिलाफ की गई एक साजिश है। साजिश? हाँ भाभी, जिस लड़की ने सर को बदनाम किया है उस लड़की को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत ही आवारा किस्म की लड़की है। मुझे लगता है भाभी उस लड़की को जरूर किसी ने भड़काया है। मगर किसने भड़काया होगा ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन शायद प्रोफेसर अय्यर आपको इस बारे में कुछ बता सकते हैं। प्रोफेसर अय्यर? वही जो मैथ्स के प्रोफेसर हैं। मैथ्स के प्रोफेसर, करेक्ट। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आप लोग यहाँ कोई खास बात है? सागर ये लोग एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं तुम्हारे पास। सर आप हमारा कॉलेज छोड़ के मत जाइए प्लीज। बल्कि सर जब तक आपके केस का फैसला नहीं हो जाता हम आपके घर आके ट्यूशन ले लिया करेंगे सर। हाँ सर, आप हमें जो भी टाइम देंगे हम लोग आ जाएंगे। मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों को ट्यूशन नहीं दे सकता, ना ही मैं अपने कॉलेज छोड़ के जाने के इरादे को बदल सकता हूँ, बल्कि मैंने अपने रुद्रपुर का अपॉइंटमेंट भी कन्फर्म कर लिया है, आप लोग जा सकते हैं। सर प्लीज। आई एम सॉरी, अब ये नामुमकिन है। भाभी जी इनको समझाइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, आप सब जाइए, मैं आप सबकी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू भाभी जी। अरे सुनो, क्या नाम बताया था प्रोफेसर का? प्रोफेसर अय्यर। हाँ अय्यर। अरे सुनो भैया, प्रोफेसर अय्यर घर में है क्या? अरे भाभी आप? जी मैं, अय्यर साहब घर में हो तो उनसे जाकर कहिए कि मैं मैंने सिर पे एक गमछा लपेट रखा है ना, इसलिए आप मुझे माली समझ बैठी। लो अब मैं माली से प्रोफेसर अय्यर बन जाता हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं, आपको तो पता ही है कि आजकल मेरी दिमागी हालत कुछ। हाँ भाभी मैं समझ सकता हूँ, आप वाकई एक जबरदस्त मानसिक तनाव से गुजर रही हैं। आइए आइए।
आइए बैठिए। थैंक यू। हाँ प्रोफेसर साहब, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। आज सागर के कुछ स्टूडेंट्स घर आए थे, उनका ये कहना है कि सागर पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें फंसाया गया है, आपका क्या ख्याल है? मुझे भी यही लगता है कि सागर के खिलाफ साजिश की गई है। ओह, मगर ऐसी साजिश करने वाला कौन हो सकता है? हमारा शक तो प्रोफेसर शर्मा पर है। प्रोफेसर शर्मा? हाँ, उसके सिवा ऐसी घिनौनी हरकत और कोई नहीं कर सकता। सागर को प्रोफेसर शर्मा से जूनियर होते हुए प्रिंसिपल बनाया जा रहा था, बस प्रोफेसर शर्मा को यह गवारा नहीं हुआ और उसी ने सारा स्कैंडल प्लान किया। आपके कहने का मतलब यह है कि वो लड़की प्रोफेसर शर्मा से मिली हुई है? बिल्कुल। मैं नहीं बल्कि कई लोगों ने कावेरी को प्रोफेसर शर्मा के घर आते जाते देखा है। आजकल तो सुना है वो रोज शाम प्रोफेसर शर्मा के घर होती है। हेलो सर। कावेरी, हजार बार कह चुका हूँ कि तुम्हारा इस तरह यूं बेधड़क चला आना ठीक नहीं है, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। मैं क्या करूं सर, आप तो मुझे अवॉइड करने लगे हैं। अवॉइड इसलिए करने लगा हूं कि तुम्हारी वो सागर वाली बात अभी तक ताजा है। हम दोनों का इस तरह साथ साथ दिखाई देना ठीक नहीं है, कहीं लोग दो और दो जोड़कर चार ना बना ले। सर, मैं आपको सिर्फ आपका प्रॉमिस याद दिलाना चाह रही थी कि अगर मैं प्रोफेसर सागर के मुंह पर कीचड़ मल दूं तो आप मुझे फर्स्ट डिवीजन दिलवाएंगे। ये इम्पॉसिबल है, दो सब्जेक्ट्स में तुम बहुत बुरी तरह फेल हो और बाकी में भी 36% से ज्यादा नहीं। हाँ, मैं तुम्हें पास जरूर करवा दूंगा। ये नहीं चलेगा सर, आपके लिए मैंने प्रोफेसर सागर जैसे शरीफ आदमी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं मानता हूँ कावेरी, सागर तुम्हारी वजह से सस्पेंड हुआ। सुनो, मैं अगले साल पेपर आउट करवा के तुम्हें फर्स्ट डिवीजन दिलवा दूंगा। ओके? आप मेरे घर में, वो भी सो लेट? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी रात भी डिस्टर्ब किया, लेकिन जिस पर पड़ती है ना वो दिन रात नहीं देखते। मैं डूब रही हूँ कावेरी, और मुझे तिनके का सहारा चाहिए, और वो सहारा देने वाला तिनका तुम हो। मैं? तुम चाहो तो मुझे इस नर्क से निकाल सकती हो। That man refuses to give me a divorce, कावेरी। I'm sorry. आप कोर्ट क्यों नहीं जाती? कोर्ट तो मैं गई हूँ। I am a fighter, और मैं आखिर तक लड़ूंगी। डिवोर्स तो मुझे हर हालत में चाहिए, लेकिन अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो ना तो मेरी ये लड़ाई आसान हो जाएगी। क्या करना होगा? मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से तुम जज के सामने गवाही दो। गवाही? लेकिन अरे डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारा बयान जज के चेंबर में होगा और वहाँ जज के सिवा तुम्हारे सामने कोई और नहीं होगा। इन दैट केस मैं जरूर गवाही दूंगी। ओह थैंक यू सो मच, मगर अपना बयान देने के लिए मैं वो सब कुछ देखना चाहती हूँ जो उसने तुम्हारे साथ किया। जब मैं तुम्हारी बेबसी देखूंगी तो मेरे अंदर आग लगेगी और मेरे बयान में जान पड़ जाएगी। नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन कोई रिस्क तो नहीं है ना? अरे रिस्क की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर लाइब्रेरी चले इस वक्त? अरे कल सुबह डेट है ना? लेकिन लाइब्रेरी तो बंद होगी ना? मैंने चाबी का इंतजाम कर लिया है। ओके चलिए। दैट्स द स्पिरिट, लेट्स गो। नॉट बैड एट ऑल, एकदम सुनसान। रेप के लिए लोकेशन बुरी नहीं है। अब तो मुझे ये बताओ कि यहां पहले तुम आई थी कि वो? बोलो जी। वो जब मैं आई तो वो टेबल पे बैठ के कुछ पढ़ रहे थे। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे? किताब, मोटी सी किताब। कौन सी मोटी सी किताब? जी वो मैं देख नहीं पाई। कोई बात नहीं, वैसे भी किताब कोई देखने लायक चीज होती भी नहीं। खैर, अब तुम मुझे ये करके दिखा दो कि उस दिन हुआ क्या था। तो मुझे वहां से बताओ जहां से प्रोफेसर भरद्वाज ने तुम्हें लिपटा करके तुम्हारे कपड़े फाड़ना शुरू किए। हाँ, मान लो कि मैं प्रोफेसर भरद्वाज हूँ, बल्कि यार तुम मुझे शुरू से बताओ ना। ठहरो, मैं प्रोफेसर भरद्वाज हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम वहां से आई,
तो तुम कहाँ बैठी? जी यहाँ। ओह, तुम खुद यहाँ बैठी थी कि उसने तुम्हें यहाँ बिठाया? जी नहीं, मैं यहाँ दूर बैठी थी। तो उसने तुम्हें पास बुलाया? हाँ। ओह नो, वो खुद सरक कर मेरे पास आया और सवाल का जवाब समझाते समझाते दैट जानवर मुझ पर टूट पड़ा और उसने मुझे जबरदस्ती इस टेबल पे लेटा दिया और मेरी साड़ी खींचने लगा। साड़ी? मगर तुम तो ड्रेस पहनती हो ना? हाँ, ड्रेस। एक मिनट, मैं सागर का रोल कर रही हूँ ना, तो मुझे करने दो। उसने तुम्हें यूं पकड़ के यूं लटाया, करेक्ट? जी हाँ। That's scoundrel. अच्छा, जब उसने ये किया तो तुम क्या कर रही थी? जी अपने आपको बचाने की कोशिश। अच्छा तो करो ना। हाँ। ऐसे कुछ किया था ना उसने? जी हाँ। और दरवाजा? दरवाजा तक बंद नहीं किया था उसने? ये भी नहीं सोचा कि कोई देख लेगा तो क्या होगा? कॉलेज बंद हो चुका था, कौन आता? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। उसके बाद क्या किया उसने? मुझे पागलों की तरह जोर जोर से दबाने लगा और चूमने लगा। और दरवाजा खुला था जो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, तभी वो जल्दी से उठ कर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। और तुम यहाँ लेटी लेटी उसके आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो लौट कर आए और तुम्हें बर्बाद कर दे? डर के मारे मेरे हाथ पांव जम गए थे। भागने की कोशिश करती तो भी चाहती कहाँ, दरवाजा तो बंद था ना। मगर तुम चीखी चिल्लाई तो जरूर होगी। चिल्लाने से क्या होता, सुनने वाला कौन था? क्यों, वो उजागर सिंह था ना, इन सब का आई विटनेस? हाँ था, मैं चिल्लाई थी मगर दरवाजा तो बंद था ना, उजागर सिंह बेचारा आता कैसे? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि उस बेचारे उजागर सिंह ने ये सब कुछ देखा कैसे? जी की होल से। की होल से? हाँ। इस दरवाजे में की होल कहाँ है कावेरी? देयर इज नो की होल, कहाँ है? और उस दिन तो ड्रेस पहनी हुई थी ना, तो प्रिंसिपल साहब की टेबल के ऊपर साड़ी और ब्लाउज कहाँ से आया बोल? आ जाइए आप लोग। बताओ किसने लिखा ये सारा ड्रामा बोल? प्रोफेसर शर्मा ने, उन्होंने मुझे लालच दिया था अगर वो प्रिंसिपल बन जाएंगे तो मुझे एग्जाम में पास कर देंगे और मैं उनकी बातों में आ गई और वो सब कर डाला जो मुझे नहीं करना चाहिए था। चल चल चल, ये रहा आई विटनेस, बोल तुझे झूठ बोलने के लिए किसने बोला था? बोल शर्मा जी। सर शर्मा जी, सर ले जाओ इसे। प्रोफेसर शर्मा, तुम इतना गिर सकते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। I am ashamed of you. अपना इस्तीफा लेकर मेरे ऑफिस में मिलिए, जाइए। कावेरी रो मत, कसूर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी उम्र का है। खूब मन लगाकर पढ़ना, अब चुप हो जाओ, ओके? सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। कहिए। इसे माफ कर दीजिए। ओके।